मैं डॉक्टर आर पी सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। मैं आपको इस वीडियो के द्वारा स्लिप डिस्क का आयुर्वेदिक उपचार बताने जा रहा हूँ। वर्टिब्रा के ऊपर या नीचे से इंटरवर्टिब्रल डिस्क पर दबाव पड़ने की वजह से इसके टूटने या नुकसान पहुंचने को स्लिप डिस्क कहा जाता है। यह इंटर वर्टिब्रल डिस्क सुरक्षात्मक कुशन की तरह वर्टिब्रा के बीच मौजूद होते हैं और किसी भी तरह की चोट या नुकसान से इसकी रक्षा करते हैं। स्लिप डिस्क के सबसे सामान्य लक्षणों में प्रभावित हिस्से में दर्द, सुन्नपन और झंझनाहट महसूस होना है। आमतौर पर स्लिप डिस्क कमर के निचले हिस्से में होती है, लेकिन ये कमर के ऊपरी हिस्से और गर्दन को भी प्रभावित कर सकती है। स्लिप डिस्क के इलाज के लिए कुछ आयुर्वेदिक उपचार जैसे कि स्नेहन तेल लगाने की विधि, स्वेदन पसीना लगाने की विधि, पीछी पीसीजित तेल मालिश, सिरोधारा तरल या तेल को सिर के ऊपर डालने की विधि, नाश्य नसिका मार्ग में औषधि डालना, बस्ती एनिमा और धानायमल द्वार धारा प्रभावित हिस्से पर गर्म औषधीय तरल डालना, ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्लिप डिस्क के इलाज के लिए कुछ जड़ी बूटियां और औषधियों जैसे कि सुंथी यानी सोट, रसना अश्वगंधा गुड़ुची, दसमूल क्वाथ, बृहतवाच चिंतामणि रस और त्रियोदसांग गुगुल का इस्तेमाल करते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से स्लिप डिस्क, उम्र बढ़ने के साथ शरीर के ऊतकों में कमी आना स्लिप डिस्क का सबसे सामान्य कारण है। कुछ दुर्लभ मामलों में रीढ़ की हड्डी और इंटरवर्ट डिस्क में चोट की वजह से भी ये समस्या हो सकती है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में मौजूद तीनों दोषों में से शरीर शारीरिक क्रिया के लिए वात सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। उम्र बढ़ने के साथ वात में असंतुलन एवं खराबी आने लगती है, जिससे शरीर के ऊतकों की गुणवत्ता और पुनर्निर्माण की कमी एवं कई वात विकार होने लगते हैं। इस स्थिति में वात में असंतुलन आने को स्लिप डिस्क का कारण माना जाता है। स्लिप डिस्क के आयुर्वेदिक उपचार में पहला है स्वेदन। इस थेरेपी से विभिन्न तरीकों से पसीना लाया जाता है। स्वेदन से शरीर की नाड़ियों को चौड़ा, उत्तकों में फंसे अमा यानी विषाक्त पदार्थ को पतला कर जठरांत्र मार्ग में लाया जाता है। यहाँ से अमा को पंचकर्म थेरेपी की मदद से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। स्वेदन शरीर को भारीपन, अकड़न और ठंड से राहत दिलाता है। कई विकारों खासतौर पर वात बढ़ने के कारण हुई स्थितियों के प्रमुख इलाज के तौर पर स्वेदन का इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से स्लिप डिस्क के इलाज में स्वेदन प्रभावकारी थेरेपी है। विभिन्न उपकरणों जैसे कि गर्म कपड़े, धातु की वस्तु या गर्म हाथों या सही जड़ी बूटियों से बनी पुल्टिस को प्रभावित हिस्से पर लगाकर स्वेदन किया जाता है। भाप या जड़ी बूटियों से युक्त गर्म तरल पदार्थ को प्रभावित हिस्से पर डालकर भी स्वेदन कर्म किया जा सकता है। अगला है स्नेहन। स्नेहन एक प्रकार की आयुर्वेदिक मालिश है, जिसमें पूरे शरीर या प्रभावित हिस्से की हर्बल तेलों से मालिश की जाती है। इस थेरेपी से दर्द और बीमारी के अन्य लक्षणों से राहत पाने में मदद मिलती है। शरीर को बाहरी रूप से चिकना करने के लिए सामान्यतः अभ्यंग यानी तेल मालिश का इस्तेमाल किया जाता है। अभ्यंग खराश खराब हुए बात को संतुलित और शांत करता है एवं हड्डियों, उत्तकों और लिगामेंट्स को मजबूती देता है। ये दर्द को दूर करता है और शरीर की बीमारियों से लड़ने की प्राकृतिक क्षमता को बढ़ाता है। अव्यंग थकान को दूर कर शरीर एवं मस्तिष्क को आराम भी पहुंचाता है। वात के कारण पैदा हुए विकारों के इलाज के लिए अव्यंग में सबसे ज़्यादा तिल के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। कटिबस्ती और ग्रीवाबस्ती, इस चिकित्सा में आटे से बने एक फ्रेम को प्रभावित हिस्से पर रखा जाता है और फिर इसके अंदर गर्म औषधीय तेल डाला जाता है। एक निश्चित समय के लिए इस तेल को त्वचा के संपर्क में ही रखा जाता है और तेल के ठंडा यानी तेल को एक विशेष तापमान पर बनाए रखने के लिए होने पर उसे पूरी चिकित्सा के दौरान लगाया जाता है।
त्वचा को चिकना करके और उस पर पसीना लाकर अमा एवं बढ़े हुए दोष को साफ किया जाता है। इससे भारीपन, अकड़न और दर्द में राहत मिलती है। इसलिए ये चिकित्सा स्लिप डिस्क जैसी वात स्थितियों को नियंत्रित करने में उपयोगी है। जब गर्दन और कंधों से संबंधित विकार के इलाज के लिए इस चिकित्सा इस्तेमाल किया जाता है तो इसे ग्रीवा बस्ती कहते हैं, जबकि कमर का इलाज करने पर इसे कटी बस्ती कहा जाता है। हृदय रोग से ग्रस्त व्यक्ति पर इस चिकित्सा का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। ये दोनों ही चिकित्साएँ रक्त प्रवाह में सुधार, प्रभावित हिस्से में लचीलेपन और गतिशीलता को बढ़ाती है। इससे मस्कुलोस्केलेटन यानी कंकाल की हड्डियां, मांसपेशियां, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट, जोड़ों और अन्य संयोजी उत्तक जो उत्तकों और अंगों को एक साथ रखने में मदद करते हैं, में तनाव कम होता है और मांसपेशियों को आराम एवं ऊर्जा मिलती है। ये डिस्क के घाव के इलाज में भी उपयोगी है। अगला है पीजी चित, ये आयुर्वेदिक थेरेपी है जिसमें दो अनुभवी थेरेपिस्ट गुनगुने हर्बल तेल से शरीर की मालिश करते हैं। इसमें मरीज को लिटाकर एक विशेष कुर्सी पर बिठाकर मालिश की जाती है। इसका बेहतर परिणाम पाने के लिए लगभग 10 दिन तक यह चिकित्सा करनी चाहिए। अगला है सिरोधारा, इस थेरेपी में औषधीय तरल पदार्थ को माथे के ऊपर से डाला जाता है। व्यक्ति की स्थिति के आधार पर सिरोधारा के लिए तरल पदार्थ का चयन किया जाता है। यह चिकित्सा तनाव को कम करने और मस्तिष्क को आराम पहुंचाने में मददगार है। ये मानसिक शांति को बढ़ाती है और बेहतर नींद लाने में मदद करती है, इसलिए ये चिकित्सा अधिकतर दर्द से जुड़ी स्थितियों के इलाज में उपयोगी है। अगला है नाश्य, इसमें हर्बल तरल पदार्थों को नासिक गुहा के जरिए शरीर में डाला जाता है। नासिका को मस्तिष्क का द्वार माना जाता है, इसलिए नाक में जो भी डाला जाएगा वो सीधा मस्तिष्क को प्रभावित करेगा। ये स्लिप डिस्क के सबसे सामान्य लक्षणों में से एक गर्दन और कंधों में अकड़न को दूर करने में मदद करता है। अगला है बस्ती, बस्ती एक आयुर्वेदिक अनीमा है। इसमें औषधीय तेलों और हर्बल काढ़े जैसे तरल पदार्थों को गुदा मार्ग के जरिए आंतों तक पहुंचाया जाता है। इसमें आंतों को साफ किया जाता है, इस प्रकार शरीर से अमा और बढ़े हुए दोष को निकाल दिया जाता है। चूँकि अमा और किसी दोष का बढ़ना ज़्यादातर विकारों का प्रमुख कारण होता है, इसलिए इन्हें ठीक कर स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। धान्य मल धारा, इस चिकित्सा में अनाज और अमलकी यानी आंवला से बने औषधीय तरल को प्रभावित हिस्से पर डाला जाता है। इस औषधीय तरल को बनाने के लिए धान्य मल, नवार चावल, खट्टे फल, सुंठी और बाजरे को एक पोटली में बांधर पानी में उबाला जाता है। इस पानी को सामान्य तापमान में ठंडा करके इससे धान्य मल धारा थेरेपी की जाती है। आमतौर पर धान्य मल से उपचार 7 से 14 दिनों के लिए किया जाता है, लेकिन मरीजों की स्थिति एवं ज़रूरत के आधार पर अधिक समय तक ये चिकित्सा दी जा सकती है। ये चिकित्सा रक्त प्रवाह को बेहतर करती है और बदन दर्द एवं मांसपेशियों में ऐठन का इलाज करती है। ये शरीर को नई ऊर्जा प्रदान करता है और प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य में सुधार आता है। स्लिप डिस्क के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और आमतौर पर वात कफ विकारों के इलाज के लिए ये सलाह दी जाती है। स्लिप डिस्क के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जिसमें सुंठी, ये चमत्कारी जड़ी बूटी श्वसन और पाचन तंत्र पर कार्य करती है और त्रिदोष में असंतुलन के कारण पैदा हुए विकारों को नियंत्रित करने में मददगार है। इसमें दर्द निवारक, पाचन, कफ निस्सार, रक यानी बलगम साफ करने वाले और कामोत्तेजक गुण होते हैं। वात विकार के इलाज के लिए सीधा नमक के साथ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दर्द और ऐठन से राहत दिलाती है और पाचन अग्नि को बढ़ाती है एवं कफ को कम करती है। अर्क पाउडर, गोली, काढ़े या पेस्ट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें अगला है रसना, कड़वे स्वाद वाली रसना शरीर में ऊष्मा और गुरुत्व में सुधार लाती है। इसका इस्तेमाल संधिवात यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस, श्वसन, अस्थमा एवं ज्वर, सिंधा और खांसी के इलाज में किया जाता है। ये वात विकारों जैसे कि स्लिप डिस्क को नियंत्रित करने में बहुत असरकारी है। इसे गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए। इसमें अगला औषधि अश्वगंधा, ये प्रजनन तंत्रिका और श्वसन तंत्र पर कार्य करती है। इसमें ऊर्जादायक, सूजन रोधी, शामक, नींद लाने वाले, नसों को राहत देने वाले, संकुचन
कामोत्तेजक और शक्तिवर्धक गुण होते हैं। इसे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए भी जाना जाता है। अश्वगंधा दर्द से राहत उत्तकों को ठीक करने और मजबूती प्रदान करती है और इसी वजह से अश्वगंधा स्लिप डिस्क को नियंत्रित करने में असरकारी जड़ी बूटी है। विभिन्न रोगों में रिकवरी और शरीर को ताकत देने के लिए सहायक रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता है। काढ़े, तेल, घी और पाउडर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है गुड़ूची औषधि। गुड़ूची पाचन और परिसंचरण तंत्र पर कार्य करती है। इसमें इम्यूनिटी बढ़ाने और खून को साफ करने वाले गुण होते हैं। ये संपूर्ण शरीर शारीरिक शक्ति में सुधार लाती है और स्लिप डिस्क के उपचार में प्रमुख औषधियों के साथ सहायक थेरेपी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। स्लिप डिस्क के लिए मिश्रित आयुर्वेदिक औषधियाँ जो हैं उसमें दशमूलाक्वाथ, इस द्रवी मिश्रण में सलीपर्णी, प्रश्नीपर्णी, अग्निमात, कश्मारी और गोछुरा जैसी सामग्रियों से बनाया गया है। प्रमुख तौर पर इसका इस्तेमाल वात विकारों के इलाज में किया जाता है, लेकिन व्यवस्थित या असंतुलित हुए सभी दोषों को संतुलित करने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दशमूल क्वात का इस्तेमाल गर्दन और कमर की अकड़न, खांसी और अस्थमा के इलाज में भी किया जा सकता है। ये औरुतवात, अनुबंधयावात या परातंत्रवात, वात के खराब होने के विभिन्न प्रकार हैं, ये के कारण पैदा हुई स्थितियों का इलाज कर सकता है। इन तीनों स्थितियों में अन्य दोष और अमा के कारण वात में अवरोध और असंतुलन आता है। क्योंकि स्लिप डिस्क में वात प्रमुख दोष होता है, इसलिए इस स्थिति के इलाज में दशमूल क्वाथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला मिश्रित आयुर्वेदिक उपचार में दवा है बृहत्वात चिंतामणि रस। इस औषधि को विभिन्न सामग्री जैसे कि सुवर्ण, रौप्य, अभ्रक, लौ और प्रवाल की भस्म को एलोवेरा में मिलाकर तैयार किया जाता है। ये सभी प्रकार के वात विकारों जैसे कि स्लिप डिस्क और संधिवात के इलाज में उपयोगी हैं। इससे आगे त्रोदसांग गुगुल। इस मिश्रण को अश्वगंधा, गुड़ूची, सतावर, गुगुल, घी, सुंथी और रसना से तैयार किया जाता है। त्रोदसांग गुगुल टेंडन और लिगामेंट के बिगाड़ों के इलाज में असरकारी है। ये दर्द, अकड़न, छूने पर दर्द होने और सूजन से राहत दिलाती है। इस प्रकार स्लिप डिस्क के लिए ये औषधियाँ लाभकारी हैं।